कक्षा 12 की पुस्तक सरयू के अध्याय कबीर के प्रमुख पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी दोहों की प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को गहराई से समझेंगे व अध्याय के अंत में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनके समुचित उत्तर आपको देने हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य कर लें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना है वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं कबीर द्वारा विरचित इस अध्याय को, और सबसे पहले हम कबीर के जीवन परिचय को से परिचित होंगे। कबीर का परिचय दिया है इस प्रकार से कि भक्तिकाल के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि, हिंदी साहित्य में आदिकाल के बाद में जिस युग की शुरुआत होती है वो भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, और भक्तिकाल में ही संतों की दो शाखाएं बनी थी, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण शाखा के अंतर्गत वे संत आते थे जो ईश्वर की सत्ता है या ईश्वर का जो अस्तित्व है वो हर जगह पर प्रकृति में माना करते थे, और सगुण वाले हैं वो किसी मूर्ति स्वरूप ईश्वर की आराधना किया करते थे। तो ये निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और संतकाव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत और सच्चे समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज को सुधारने का भी बहुत प्रयास किया। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 विक्रम संवत कबीर चरित्र बोध में उल्लेखित अनुसार, कबीर चरित्र बोध नाम का कोई ग्रंथ है और उसमें इस सन का उल्लेख किया गया है कि कबीर का इस सन में जन्म हुआ है, अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति ने किया। नीरू और नीमा ये पति पत्नी थे, इन्होंने ही कबीर का बचपन का पालन पोषण किया था और ये दोनों कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। कबीर अशिक्षित थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे परंतु बहुश्रुत थे। जिसने बहुत सा ज्ञान है वो सुन सुनकर प्राप्त किया हो वो बहुश्रुत कहलाते हैं। तो इन्होंने बहुत सा ज्ञान है वो सुनकर प्राप्त किया था, वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। फिर ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे और वे एक युग पुरुष थे और उनकी प्रतिभा बहुमुखी थे। रामानंद इनके कबीर के गुरु थे और उन्हीं के ये शिष्य थे। फिर आगे दिया है, अपनी अनुभूतियों को सहज और प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धस्थ कबीर ने अपनी वाणी के द्वारा धार्मिक संकीर्णता, भय आडम्बरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतमतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। इन्होंने धार्मिक संकीर्णता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है उसमें लोग बटे हुए थे और अपनी सोच को छोटा किए हुए थे, संकीर्ण बने हुए थे, उससे ऊपर उठाने का इन्होंने प्रयास किया। और बाह्य आडंबरों और कुरीतियों, समाज में कुछ जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच है, गोरे काले का जो भेद है, ये कुरीतियों का भी इन्होंने काफी विरोध किया। फिर है, वे आत्मिक साधना और मन की पूजा पर विश्वास करते थे और वो मानते थे कि मंदिर और मस्जिद में पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मनुष्य को अपने को स्वयं को पहचानना होगा तभी यानी कि ईश्वर है उसकी प्राप्ति हो सकती है। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाह्य दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। कबीर ने समाज के भीतरी और बाह्य दोनों पक्षों पर काफ़ी व्यंग्य किए। समाज में जो कुछ भी इन्होंने देखा, जो इन्हों को लगा कि इन चीज़ों की आलोचना करना जरूरी है, तो उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से उपदेश भी दिए थे। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है, और ये रूढ़ियों से मुक्त एक समाज की स्थापना करना चाहते थे। कबीर का शिल्प सरल और सहजग्राही है। इनकी भाषा है कबीर के जो पदों की वो काफ़ी आसानी से सरल और आसानी से समझ में आने वाली है। उनका प्रत्येक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है और दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ होती हैं उन पर इन्होंने अपनी बातें हैं वो स्पष्ट की हैं। भाषा पंचमेल खिचड़ी, पाँच भाषाओं के मिश्रण से बनी हुई जो भाषा है इनकी वो पचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है, और साथ ही सदुगड़ी जो साधुओं की भाषा होती है उसको सदुगड़ी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी और ब्रज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये कुछ भाषाएं हैं, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी और ब्रज, इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है वो कबीर ने अपने प्रवचनों में किया है। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित हैं। इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो बीजक एक बड़ा ग्रंथ है उसमें संकलित है। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है और इनका जन्म है वो 1398 ईस्वी में होता है। तो कुल मिला के ये 120 वर्ष तक जिंदा रहे थे। उसके बाद में हम देखते हैं इनका पाठ परिचय, जो इनके आगे दोहे और पदों का हम अध्ययन करेंगे उनका संक्षेप में यहाँ पर सार दिया गया है कि उनमें क्या क्या बातें हैं वो स्पष्ट की गई हैं। देखना, प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीर ने गुरु की महिमा का महत्व बताया है। इन्होंने गुरु है उसका महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु, एक सच्चा गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कि सदगुरु सच्चा गुरु और परमात्मा है, ईश्वर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है, कि
गुरु ही एक ऐसा है जो अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को जला देता है और इस संसार से पार होने का मार्ग है वो उसको बताता है। जब भगवान की कृपा होती है, जब ईश्वर की रहमत हमारे पर हो जाती है, तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है, हमारे को एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और यह संसार सेमल के पुष्प की तरह है, क्षणभंगुर है। कबीर ने यहाँ पर इस संसार को सेमल के पुष्प की तरह, सेमल नाम का एक पेड़ होता है जिस पर कुछ लाल लाल फूल लगते हैं, वो फूल कुछ समय के लिए ही अपने अस्तित्व में आते हैं, उसके बाद में नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कबीर ने भी इस संसार की मोह माया है उसको क्षणभंगुर बताया है और इसकी चमक धमक में नहीं फंसना चाहिए और हम मनुष्य को यहाँ पर आकर यहाँ पर किसी प्रकार से फंस नहीं जाना है, इनमें मिल नहीं जाना है। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। अगर हम ईश्वर के करीब रहेंगे तभी ही हमारा कल्याण हो सकता है, ऐसा कबीर ने बताया है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कमल का पौधा होता है वो जल से अपनी नाल के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है, जब ज्ञान की आंधी आती है तब हृदयगत समस्त विकार माया मोह तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं। कि मनुष्य के मन में जितने भी जो विकार हैं, जैसे माया है, मोह है, तृष्णा है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल और पवित्र हो जाता है। कि मनुष्य का जो हृदय है वो प्रभु की प्रेम रूपी बरसात जब भी होगी तो उसका मन है वो पवित्र हो जाएगा। जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है और जीव की जब आत्मा इस ज्ञान रूपी आंधी से अंदर तक भीग जाएगी या प्रभावित हो जाएगी या उसके ज्ञान को जब जान जाएगी तो वो परमेश्वर से, ईश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है, तड़पने लगती है। कबीर ने साधना के पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर जोर दिया है। कि हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर तभी चल सकते हैं जब हमारे साथ में मूर्ख नहीं हो। मूर्खों का साथ छोड़ने के लिए कबीर ने अपने दोहों में कहा है। अब हम कबीर के एक एक जो दोहे आएंगे उनका अर्थ हम समझेंगे और जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो इनके वो शब्दों पर और उसके अर्थ पर काफ़ी गहराई से ध्यान देंगे। देखना, पहला दोहा है, उसमें दिया है कि गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार। कि गुरु और गोविंद हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही हैं। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। आपा यहाँ पर घमंड को कह रहे हैं कि आपा मेट जीवित मरे, कि मनुष्य है वो अपने जीवित मनुष्य अपने घमंड को अगर छोड़ देता है तो पावे करतार। करतार है वो ईश्वर को कह रहे हैं कि वो उस ईश्वर की प्राप्ति उसको तभी हो सकती है जब अगर वो अपना घमंड है उसको छोड़ देता है। दूसरे दोहे में दिया है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। कि गुरु है उसके ज्ञान का प्रकाश जब मिलता है सो जिन्हें बिसरी जाएं। तो यहाँ पर यही बात इसमें स्पष्ट की गई है कि गुरु है उसका ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे को मिल जाता है, उसके बाद में हमारे को गुरु का काफ़ी महत्व का पता चल जाता है। जो जिन्हें बिसरी जाएं, और हम बिसरी यहाँ पर भूलने को कह रहे हैं कि हम इस फिर अपने गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहते। जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान है उसकी कृपा हमारे पर होती है तब गुरु मिलिया आई और तब हमारे को गुरु है एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। फिर आगे देखना, यहाँ पर कबीर फिर कह रहे हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेदी के साथी। कि जब लोग हैं जो लोक वेद जितने भी जो वेद पुराण हैं उनके साथ में अगर हम जुड़ जाते हैं, उनके पीछे अगर हम लग जाते हैं तो हमारे को ईश्वर की प्राप्ति है या उस ज्ञान की प्राप्ति है वो नहीं हो पाएगी। आगे थे सद्गुरु मिलिया, लेकिन इन्हीं वेद और ग्रंथों का अगर हमने हाथ साथ छोड़ा और हम इनसे आगे बढ़े तो हमारे को सद्गुरु मिला, एक सच्चा गुरु है वो हमारे को मिल गया। और मिलने के बाद में गुरु क्या करता है कि दीपक दिया हाथी, कि हमारे हाथ में एक ज्ञान रूपी दीपक दे दिया जिससे हमारा जो अंदर का अंधेरा है वो दूर होने लगा। चौथे में दिया है कि बूढ़ा था पे उबरा। कि मैं डूबने ही वाला था, बूढ़ा यहाँ पर डूबने को कह रहे हैं कि मैं डूबने ही वाला था पे उबरा, लेकिन मैं उभर चुका हूं। गुरु की लहरी चमकी, जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक मेरे अंदर हुई तो मैं डूबने ही वाला था लेकिन मैं उससे बाहर आ गया। भेरा देखा जरजरा उतरे पर के फरंकी। कि भेरा यहाँ पर भेरा बड़ी नाव को कह रहे हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पर इस संसार रूपी बड़ी नाव को मैंने देखा और उस नाव को देखा भी इस तरह से कि वो जर्जर हालत में थी और जिसमें मैं सवार था और मेरे को लगा कि ये जर्जर नाव कभी भी पानी में डूब सकती है। उतरे पड़े फरंकी और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुरंत उससे, उस नाव जो क्षणभंगुर नाव है उससे मैं तुरंत है वो दूर हो गया या उससे अलग हो गया। तो
यहाँ पर कबीर यही बात स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु की लहर, जो ज्ञान रूपी लहर है, उसकी चमक जैसे ही मेरे अंदर आई तो मैंने इस संसार के महत्व को, ये जो ज्ञान, ये जो संसार है, इस संसार के महत्व को भी मैंने समझ लिया कि इस संसार की क्षणभंगुरता में फंसने से कोई मतलब नहीं है, अपने को इसकी क्षणभंगुरता से हमारे को दूर ही रहना है। फिर आगे देखें, कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी लाही, कि कबीर कह रहे हैं कि जब चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, कि कबीर चित कह रहे हैं कि मन की चारों दिशाओं में जब आग लगी, लाई लागी लाही, यहाँ पर लाई आग को कह रहे हैं और चहु दिशाओं, चारों दिशाओं को कह रहे हैं, हरी सुमरिन, हरी यहाँ पर ईश्वर को कह रहे हैं, और सुमरिन हाथों बड़ा बेगे लेहू बुझाई, और जब भी हमने ईश्वर का जब स्मरण किया, हमारे मन में चारों तरफ आग ही आग लगी हुई थी, और जैसे ही हमने हरि का स्मरण किया और हरि रूपी, हरि के ज्ञान रूपी घड़े को जब हमने हाथ में लिया, तो उसी घड़े के जल से हमने जो अंदर लगी हुई आग थी उसको हमने बेगू लेहू बुझाई, बहुत जल्द है उसको बुझा लिया। यहाँ पर जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो देखेंगे, इन जो दोहे दिए गए हैं इनके अर्थ हैं वो काफ़ी गहराई से दिए हुए हैं। छह में देखें, पार ब्रह्म की तेज का कैसा है उन्मान। पार ब्रह्म यहाँ पर ईश्वर को कह रहे हैं, पार ब्रह्म परम ब्रह्म जिस जो ईश्वर है उसी को कह रहा है कि तेज कैसा, उसका प्रकाश है वो किस प्रकार का है, कैसा है उन्मान, उसका अनुमान लगाना ही कठिन है। कई बेकू शोभा नहीं, कहने से उसकी शोभा है, उसका जो अस्तित्व है उसके बारे में कहने से आपको पता नहीं लगेगा, देखें ही प्रमाण, उसको देखने से ही पता लग सकता है कि वाकई में ईश्वर क्या है, और उस ईश्वर की प्राप्ति है वो बाहर देखने से नहीं, अपने अंदर ही झांक कर देखने से उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर आगे देखें, चिंता तो हरि नाम की ओर न चितवे दास। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि चिंता है वो हमारे को उस हरि के नाम की होनी चाहिए, उसके नाम की होनी चाहिए, और न चितवे दास, और जैसे ही हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं तो और न चितवे दास, फिर हमारे को दूसरी चीजों का स्मरण करने की, चितवे यहाँ पर स्मरण को कह रहे हैं कि करने की जरूरत नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन, अगर फिर अगर कोई व्यक्ति अगर राम के बगैर, उस ईश्वर के बगैर किसी दूसरी चीज का चिंतन करता है तो सो ही काल की पास, वो काल के बंधन में, काल की पास है, काल के बंधन में जाकर बंध जाएगा। आठवें में लिखा है, नेना आंतरी आव तू नैन झांपी तो ही लेहू, कि यहाँ पर ईश्वर को भक्त हैं या वो कह रहे हैं कि नैना अंतर आव तू, कि मेरे जो नैन है, मेरी जो आंखें हैं उनके अंदर तू आ जा, और नैन झांपी तो ही लेहू, और मैं जैसे ही तू मेरे नेत्रों के अंदर हे ईश्वर तू आ जाएगा तो मैं अपने नेत्रों को झांपी तो ही लेहूँ, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेऊंगा। ना हो देखो और कूँ, ना तो मैं किसी संसार में किसी और चीज को देखूंगा जैसे ही तू मेरे नेत्रों में आ जाएगा, और ना तुझन देखने देहूं, और ना मैं तेरे को किसी दूसरे को देखने दूंगा। यहाँ पर जो ईश्वर है उसकी महत्ता को काफी बताया गया है। फिर नौ में है कि बहुत दिनन की ज्योति बाढ़ तुम्हारी राम। यहाँ पर राम को एक विरहिणी की तरह पुकारा गया है कि हे राम, तेरी राह को देखते देखते बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से तेरी राह को हम मैं देख रही थी, जीव तरसे तुझ मिलन को। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए जो जीवात्मा होती है वो तड़प रही है, किससे मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम, और जब तक तेरे से मेरा मिलन नहीं होगा मेरे मन में किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं होगा। दसवें में दिया है कि मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कि मूर्खों का हमारे को संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा है वो जल में कभी तैर नहीं सकता। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई, कि यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से एक इस बात को स्पष्ट किया गया है कि मूर्खों का साथ हमारे को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा साथ होगा वैसा ही हमारे को परिणाम प्राप्त होगा। जिस तरह से स्वाति नक्षत्र में बारिश की जब बूंद होती है, इन तीन चीजों में गिरने के कारण परिणाम है वो एक बूंद के, यहां पर आगे देखना, एक बूंद तिहु भाई, एक बूंद के तीन परिणाम अलग अलग निकलेंगे। कैसे, जैसे कदली है वो केले को कह रहे हैं, सीप जो समुद्र में एक जीव होता है उसको कह रहे हैं, और भुवंग है वो सांप को कह रहे हैं, कि कदली जो केले का जो पेड़ होता है उस पेड़ में अगर बरसात की बूंदें गिरेंगी तो केले में कपूर बन जाएगा, और सीप है उसके मुंह में अगर पानी जाएगा स्वाति नक्षत्र की बूंदों का
तो उसमें मोती बन जाएगा, और सांप के मुंह में वही अगर पानी की बूंद जाएगी तो वो जहर बन जाएगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार की हमारी संगत होगी उसी प्रकार का हमारे को परिणाम है वो मिलेगा। फिर आगे 11वें दोहे में दिया है कि यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, कि कबीर ने यहाँ पर संसार की तुलना है वो सेमल के फूल की तरह की है, कि सेमल का पौधा होता है उसमें जो फूल है वो कुछ समय के लिए आते हैं उसके बाद में नष्ट हो जाते हैं, तो ये संसार भी क्षणभंगुर है। 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूली, और ये 10 दिन का व्यवहार है, जिस तरह सेमल के फूल हैं वो 10 दिन के लिए आते हैं और उसके बाद में वो नष्ट हो जाते हैं, तो 10 दिन को व्यवहार को यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए हम इस संसार में आते हैं, यहाँ पर व्यवहार करते हैं, तो झूठे रंग न भूली और अपने को अपना ये जो रंग है, अपना जो भी अस्तित्व है उसको हमारे को किसी प्रकार से भूलना नहीं चाहिए। अंतिम 12वें नंबर के दोहे में दिया है, मासी गुड़ में गड़ी रही संस रही लपटाई, कि मक्खी होती है वो गुड़ में जब गड़ती है या उसमें समाती है, तो मैं लिखा है कि मासी गुड़ में गड़ी रही संस रही लपटाई, संस यहाँ पर पंख को कह रहे हैं, रही लपटाई और उसके पंख हैं, वो जैसे जैसे वो गुड़ में अपने पंखों को हिलाती है तो उसके पंख हैं उस गुड़ में लिपट जाते हैं। फिर है ताली पीटे, अपने हाथों को वो पीटती है, मक्खी है वो अपने हाथों को हिलाती है, सिर धुनी अपने सिर को भी वो हिला रही है इधर उधर, मीठे बोही माही, और वो जैसे जैसे अपने सिर को हाथों को हिला रही है अपने पंखों को हिला रही है, जू जू मीठे बोही माही, और वो उसी मीठे गुड़ के अंदर समाती हुई जा रही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार में जिस तरह से अगर हम आते हैं, इस संसार में हम अपना जो कुछ भी यहाँ पर करते हैं क्रियाक्रम, तो इस क्रियाक्रम को करते करते अगर हम मोह माया के विपत्ति में अगर फंस जाते हैं, तो यहाँ पर उसी हमारी मक्खी की तरह हमारी हालत होती है, कि हम जितने इस मोह माया में प्रवेश करते हैं उतने ही हम उस मक्खी की तरह उस गुड़ में समाते जाते हैं, ये मोह माया अपने को अपने चंगुल में ले लेती है। इस तरह से ये कबीर के 12 दोहे थे। उसके बाद में कबीर के पद आते हैं, उसके बाद में इसमें देखना यहाँ पर कबीर हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले पद में कहरे नलिनी तू कुम्भलानी, यहाँ पर नलिनी है वो जो कमल की जो नाल है उसको कह रहे हैं, यहाँ पर कमल है उसकी जो नाल है वो कमजोर हो गई है, कबीर उसको संबोधित करके वो कह रहे हैं कि कहरी नलिनी तू कुमलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी, कि तेरी जो नाल है वो तो सरोवर के पानी में है, कि कमल है उसकी नाल तो वो सरोवर के पानी में समाई हुई है, जल में उत्पत्ति, तेरी तो उत्पत्ति जल में हुई है और जल में वास, और तू जल में ही निवास करती है, जलनी में नलील तोर निवास, और जल में ही तू यानी कि यह कमल नाल है तू निवास करती है, फिर भी तू इस तरह से कुमलाई क्यों है, अलसाई क्यों है। यहाँ पर कमल के नाल के माध्यम से यहाँ के मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं कवि। यहाँ पर थोड़ा सा जो जितने विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे, कमल की नाल के माध्यम से मनुष्य की जो हालत है उसको संबोधित कर रहे हैं। ना तली तपती, यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कमल की नाल के बारे में कह रहे हैं कि ना तो तुम्हारी जो तली है वो तपती है, क्योंकि उसमें तो जल भरा हुआ है, ना ऊपरी आगे, और ना ही हे नलिनी तू तो पानी में डूबी हुई है, तेरे को तो बाहर की जो सूर्य की जो आग है, बाहर का जो तपन है वो भी तेरे को नहीं लगता, तो हेत का हुकास नहीं लागी, और फिर भी तेरे को पता नहीं किस तरह का ये कोई रोग है ये लगा हुआ है। कबीर कहे जे उदकी समान ते नहीं मुए हमार हमरे जान, यहाँ पर उदगी जल और ईश्वर दोनों को संबोधित किया गया है। अन्य अर्थों में कबीर कह रहे हैं कि कहे कबीर जे उदगी समान ते नहीं मुए हमरे जान, कि जब तक कबीर कह रहे हैं कि हम उस ईश्वर को नहीं जान पाएंगे, नहीं मुए हमारे जान, और हम अपने को स्वयं को ही नहीं जान पाएंगे। तो उसके बाद में देखना एक दूसरे दोहे में दिया है, संतो भई आयरे ज्ञान की आंधी, यहाँ पर संतों को कबीर कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तब क्या होता है कि भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, कि भ्रम रूपी अपने मनुष्य के अंदर जितने भी प्रकार के भ्रम होते हैं उनकी टाटी या छप्पर बने हुए होते हैं वो सब के सब उड़ जाते हैं, माया रहे न बांधी, और माया मोह माया है वो भी उस पर भी हमारा आधिपत्य नहीं रहता। रेट एक, फिर आगे लिखा है हित चित की दोहू थूनी गिरानी, कि हमने मोह का बलिंडा टूटा, और हमने जिस छप्पर के अंदर जो अंदर जिस छप्पर को डांटने के लिए जो लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं, या जो जिस तरह से छप्पर के भीतर जो लकड़ी के फट्टे लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से हमने भी अपने अंदर न जाने मोह माया रूपी कितने प्रकार के छप्पर बना रखे हैं, लेकिन ज्ञान की आंधी आती है तो मोह का बलिंडा टूटा और मोह रूपी जो अंदर के जो लगाए हुए छप्पर के अंदर जो पट्टे थे वो सब के सब टूट जाते हैं। यहाँ पर ये कबीर हैं वो किसी छप्पर की बात नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर ही मोह माया की रूपी वासना या तृष्णा की बात कर रहे हैं, कि मनुष्य है वो किस तरह से अपनी तृष्णाओं को लेकर जीता
हुआ रहता है और उसमें जैसे ही ज्ञान का समावेश होता है तो किस तरह से उसके विकार हैं वो नष्ट होते हैं, ये यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे इस बात पर। तृष्णा छानी परी घरी ऊपर कुब्दी का भांडा फूटा, कि तृष्णा रूपी छानी परी घर ऊपरी कि तृष्णा रूपी छप्पर हमने बना रखे हैं, अपने घर बना रखे हैं इस प्रकार के, कुब्दी का भांडा फूटा और मन के अंदर जो कुबुद्धि है, जो जिस तरह की हमने बुरी प्रवृत्तियों की जो बुद्धि है अपने अंदर है वो भरी हुई थी, वो जैसे ही ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान को हमने जैसे ही जाना तो कुब्दी का भांडा फूटा और वो कुब्दी है बुरी बुद्धि है उसका भांडा है उसका बर्तन है वो फूट गया है। जोग जुक्ति करो संतो बांधी निरंचू चुवे न पानी, और जैसे ही हम संतों की अगर संगति में जाते हैं उनकी संगत करते हैं तो निरंचू चुवे न पानी, तो हमारा जो छप्पर है वो कभी भी पानी से चू नहीं सकता, चाहे कितनी ही ऊपर बारिश क्यों ना हो वो उसके अंदर पानी समा नहीं सकता अगर हम संतों के पास में या उनके करीब अगर हम रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संतों की संगति में जैसे ही हम आ जाएंगे तो हमारे को वास्तविकता के ज्ञान की गहराई है उसको हम समझ जाएंगे। कूड़ कपट काया का निक्षया, अंदर जितना भी जो काया है मन है शरीर के अंदर जिसमें कूड़ा करकट भरा हुआ था वो निक्षया निकल गया है। हरि की गति जब जानी, हम ईश्वर की गति है उसका अस्तित्व है जब हम जान जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी के बाद में जैसे जल आता है प्रेम हरिजन भींगा, आंधी के बाद में जल जैसे ही बरसता है तो प्रकृति में जितनी भी जो रेत गरद धूल जितनी भी जो भी है वो सब की सब धरती पर एकदम से गिर जाती है और धरती का वातावरण एकदम से साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम हरिजन बिना और ईश्वर का ज्ञान जैसे ही हमारे को होता है अंदर से हमारे भाव हैं वो पलटने लगते हैं। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित तम भयातम सेना, कि कबीर कह रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान के भान, जो कभी भान के प्रगटे, भान यहाँ पर सूर्य को कह रहे हैं, और प्रगटे जैसे ही सूर्य का उदय होता है, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय अंदर होता है, उदित भया तम सीना, और अंदर जितना भी जो तम यहाँ पर अंधेरा को कह रहे हैं और सीना नष्ट हो जाता है और अंदर का जो अंधेरा है वो इस सूर्य के प्रकट होते ही नष्ट हो जाता है। तो जितने भी जो विद्यार्थी हैं उनको मैं कहूँगा कि एक बार फिर से इस वीडियो को आप चलाकर जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही गहराई के साथ में कबीर ने अपने अर्थों को स्पष्ट किया है। तो जिन विद्यार्थियों के अगर कहीं पर भी अगर कोई अर्थ को समझने में कहीं पर दिक्कत हुई है तो वो वापस वीडियो को चलाकर जरूर देख लें एक बार फिर से। और अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, देखते हैं बताना आप उनके उत्तर। कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया, ज्ञान का दीपक, वेद शास्त्र का दीपक, लोकमान्यताओं का दीपक और मिट्टी का दीपक, तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया, तो वो है ज्ञान का दीपक। कबीर के अनुसार सद्गुरु कैसे प्राप्त होता है, दूसरा प्रश्न है। कबीर के अनुसार सद्गुरु कैसे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन है ज्ञान प्रकाशित होने पर, भगवान की कृपा होने पर और शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर और भ्रमण और तीर्थ कर लेने पर। तो आप इनमें से अर्थ बताएंगे, देखें इनका साथ जल्दी से। तो ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है तब हमारे को सद्गुरु की प्राप्ति है वो होती है। फिर है कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है, धूल भरी आंधी, ज्ञान की आंधी, तेज आंधी पानी, कूड़ा करकट उड़ाने वाली आंधी। तो कबीर के अनुसार जो आंधी आने की बात हुई है वो है ज्ञान रूपी आंधी। फिर चौथे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है कि कबीर भक्तिकाल की किस भक्तिकाव्य धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा, प्रेमाश्रयी सूफी। तो कबीर जिस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो है ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति धारा, गै विकल्प है वो सही उत्तर होगा। अब कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर आपको बताने हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है, तो कबीर ने परमात्मा का जो चिंतन है वो करने को कहा है। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है, तो कबीर ने इस संसार को सेमल के फूल के बारे में फूल के समान बताया है। संतो आई ज्ञान री आंधी रे में कौन सा अलंकार है, ये आपको अलंकार है ये अलग से अध्ययन करवाए जाएंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ज्ञान रूपी आंधी की बात हो रही है यहाँ पर। कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहता है, कि जैसे ही प्रियतम ईश्वर है वो नेत्रों के भीतर आ जाएगा तो नेत्र हम सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका पहला अध्याय है ये पूर्ण हो चुका है।
इसके बाद में और भी आपके बहुत से अध्यायों के वीडियो हैं, वो समय समय पर अपलोड होते रहेंगे। आप इन अध्यायों को यूं ही देखते रहें और यूं ही शिक्षण कार्य करते रहें। तो मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।